Hello guys, welcome back to my channel Inquisitive Mind. So today I am gonna tell you how to install PyCharm. तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. तो चलिए शुरू करते हैं. सिंपली आप लोगों को कोई ब्राउजर यूज कर लेना, जैसे मैंने क्रोम यूज किया हुआ है. देन आपको सर्च करना है PyCharm डाउनलोड. ये आपको फर्स्ट लिंक दिख रही होगी ZBrains, इसे भी आपको क्लिक कर लेना है. डाउनलोड PyCharm पाइथन IDE, ये आप लोगों को दिख रहा होगा. PyCharm प्रोफेशनल, ये पेड वर्जन है. 30 डेज के लिए ट्रायल भी है इसका. अगर जो आप लोगों को चेक करना है, ट्रायल करना है, तो आप लोग कर सकते हैं. 30 डेज के लिए फ्री भी है ये. हम लोगों को चाहिए PyCharm कम्युनिटी एडिशन. ये रहा PyCharm कम्युनिटी एडिशन. सिंपली डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है आप लोगों को. देख सकते हैं आप लोग डाउनलोड होने लगा है. देख सकते हैं आप लोग डाउनलोड हो चुका है. चलते हैं डाउनलोड्स में. तो ये देखिए डाउनलोड हो गया है. इसी पे आप लोगों को क्लिक कर देना है. इसको मिनिमाइज कर देते हैं. वेलकम टू PyCharm, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है. नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है. फिर आप लोगों को कहीं और फोल्डर में इसको ब्राउज करना है तो वहां कर सकते हैं. नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है. फिर आपको जितने भी चेक बॉक्स दिख रहे हैं सबको चेक कर लेना है. नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है. फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है. तो देख सकते हैं आप लोग PyCharm में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें. देख सकते हैं PyCharm इंस्टॉल हो गया है. ये देखिए PyCharm कम्युनिटी 2023.2 वर्जन. तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें.